नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज है ट्यूसडे और आज है आपका दूसरा दिन ट्विन फ्लेम, आपका सेकंड थर्ड वीक का सेकंड डे इन द ट्विन फ्लेम असेंशन सीरीज़। तो चलिए देखते हैं हम किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे ट्विन फ्लेम असेंशन के लिए। तो हमें जितने भी कार्ड आएंगे, एक या दो, हम उनको लेंगे। अरे बाप रे, इतने नहीं ले सकते दोस्तों, हम फिर से इनको शफल करेंगे और ट्विन फ्लेम असेंशन के लिए एक कार्ड मांगेंगे। एक कार्ड जो भी देख रहे हैं उनको किस लेसन पे काम करना है। ओके, तो हमें दो कार्ड्स आए हैं, तीन कार्ड्स आए दोस्तों, हम तीनों को ले लेंगे। जो है, कभी कभी हमें ज़्यादा कार्ड्स पे काम करने की ज़रूरत होती है और कभी कभी उन कार्ड्स के ऊपर काम करना एक साथ ज़रूरी हो जाता है। ये मैं कार्ड्स देखूंगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओनरशिप, वर्चू एंड टॉलरेंस, ठीक है, इसके ऊपर अब हम काम करने वाले हैं ट्यूसडे के दिन। तो पहले हम ओनरशिप की तरफ जाएंगे, ओनरशिप था यहाँ पे, परफेक्टली आ गए हैं हमारे ओनरशिप पेज पे। यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स एंड लर्न टू लव देम ऑल एज लेसन्स। अभी आपने जो भी गलत किया है, जो भी सही किया है अपने लाइफ में, अपने जो भी अकम्प्लिशमेंट्स किए हैं और जो भी आपने नहीं सही काम किए हैं, वो सब आप एक्नॉलेज करोगे और जो है अपने मिस्टेक्स को भी एक्नॉलेज करोगे और अपने बेस्ट पार्ट्स को भी एक्नॉलेज करोगे, जो जो आपने अचीव किया है। जैसे ये कार्ड जो है, इसमें से एक पीछे चला गया है, वो शायद ओनरशिप का कार्ड है। नहीं, ओनरशिप का कार्ड यहाँ है, वर्चू, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, या इसके बारे में कल ही काम करेंगे हम। तो मुझे जैसे लग रहा है ना कि ओनरशिप जो है, हमें हर चीज़ जो हमने किया है उसके ऊपर हमें ओनरशिप की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की, सही या गलत। तो इसके लिए हम एक और एक्सरसाइज करेंगे ओनरशिप के लिए। मैं आप लोगों को लिख के दिखाने वाली हूँ कि हमें ये कैसे करना है, ये ओनरशिप का एक्सरसाइज कैसे करना है, ठीक है। जैसे हमारे ट्विन फ्लेम के साथ, तो हमें अगर हमारे ट्विन फ्लेम के साथ हम लोग सेपरेशन में हैं, जो भी है, तो उसके पीछे रीज़न हम ही है, हम लोगों का डेस्परेशन ही है और हम लोगों ने ही कुछ ऐसे काम किए जो हमने ही उनको हमारे से दूर भगाया है। तो हमें उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें जो हमने जो किया है उसके लिए हमें ओनरशिप राइट्स लेने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, कि हमने आज तक हमारे लिए ओनरशिप नहीं किया है, तो हम ओनरशिप का दो एक्सरसाइजेस करेंगे। पहला, जो हमने हमारे मिस्टेक्स किए हैं उसको एक पेज में लिखेंगे ऐसे मिस्टेक्स करके, और जो भी हमारे मिस्टेक्स हैं हम उसको लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। और फिर जो हमारे मिस्टेक्स हैं हम उनको लिखेंगे यहाँ पे और उनके लिए उनको रियलाइज़ करेंगे, उनके लिए फॉरगिवनेस मांगेंगे। अगर हम उनके उनसे डायरेक्टली फॉरगिवनेस नहीं मांग सकते हैं, तो हम हम जो है एक हो पोनो पोनो कर सकते हैं। ये एक जापनीज तरीका है मेडिटेशन का और चार लाइनें हैं इसमें, आप जाके नेट पे भी ढूंढ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये जो है उस पर्सन का नाम लेकर चिट्ठी पे आप बना सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि ये आज हम की हमारी एक्टिविटी होने वाली है। तो मैं आप लोगों को ये करके दिखाना चाहती हूँ कि हम कैसे करेंगे इसको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक पेज लेंगे हम, उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिससे हमें सॉरी बोलना है और जिससे हम फिजिकली सॉरी नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने वहाँ पे शालिनी मेहता लिखा था, शालिनी मेहता कोई फ्रेंड हो सकती है आप, मतलब मैंने तो किसी भी रैंडम पर्सन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो शालिनी मेहता है मैंने लिखा क्योंकि ये पर्सन से मुझे माफ़ी मांगनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कुछ नहीं है। तो
फिर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी पहला फोल्ड, और फिर मैं इसको ऐसे दूसरा फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, ये हमने बना दिया वो पर्सन से जिससे हमें माफ़ी मांगनी है। अब दोनों पाम्स के बीच में हाथ ऐसे रख के, वो चिट्ठी को ऐसे रख के आराम से कंफर्टेबली आंखें बंद करके हम चार लाइनें बोलेंगे, और ये काफ़ी, अगर आप लोगों को 5 मिनट 10 मिनट तक बोलेंगे, अगर आपको टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या आप लोगों को पता नहीं चलता कि आपने कितनी बार बोला है, तो आप टाइमर सेट कर सकते हो। तो अपने फ़ोन पे 10 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और अपने ट्विन फ्लेम का नाम इसमें लिखिए। ठीक है, इसको दोनों हाथों के बीच में रखिए और ऐसे बंद करके आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे चार सेंटेंसेस बोले आंखें बंद करके, और आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव होती जा रही है। और ये बहुत गहरा टेक्निक है दोस्तों, ये बहुत स्पेशल टेक्निक है। किन किन के लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगा, किन किन के लिए ऐसा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ये सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम का रूट पे काम करता है। जैसे अगर हम लोगों को ये ओशन है, हम लोगों को ये एक आइसबर्ग हो फॉर एग्जांपल इधर, तो आइसबर्ग पता है ना आप लोगों को, एक आइस का टुकड़ा हो सी में, तो हमें ऊपर से इतना ही दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे जो है इतना जो है प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ये एकदम रूट के प्रॉब्लम्स तक जाने की कोशिश करता है। तो अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डीप है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रबलसम हो सकता है, लेकिन अगर आपका कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, छोटा मोटा इशू है, तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये, और फिर हमने अब तक मिस्टेक्स की बात की, सॉरी बोलने की बात की, अब हम लोग जो है थैंक्स की बात करेंगे, तो अचीवमेंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक्स की जगह हम लिखेंगे अचीवमेंट, और जो जो हमने अच्छा काम किया है दोस्तों, जो जो जैसे हमने आज तक अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, दो, क्योंकि हमको वो इतना बड़ा ही नहीं लगा, क्योंकि जैसे ग्रेजुएट हो गए हम, अगर हमने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, बीबीए कर लिया, या इंजीनियर बन गए, या जो भी किया, बैंक का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, पर हमने अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, या किस फॉर बीइंग काइंड, फॉर बीइंग लविंग, फॉर हेल्पिंग पीपल, हमने किसी चीज़ के लिए भी खुद को कभी अप्रिशिएट नहीं किया है, हमारे अचीवमेंट्स के लिए खुद को अप्रिशिएट नहीं किया है। अगर हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तभी भी हमने खुद को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि हम लोग सिर्फ कॉम्पिटिशन में रहते हैं और हम ये देखते रहते हैं कि दूसरे हमारे से कितने ज़्यादा बेटर है। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने एमकॉम कर रखा हुआ है, अभी एम कॉम करने के टाइम पे ऐसा थोड़ी ना लगा था एम कॉम MBA बहुत लोग करते हैं, तो क्या बड़ी बात कर ली एम कॉम करके, तो हमने खुद को अप्रिशिएट तो बिल्कुल नहीं किया इसके लिए, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, हमने एम कॉम किया, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वो हमारी जर्नी थी, वो हमारे डिफ़िकल्टीज थे, हमारे प्रॉब्लम्स थे, जिनसे हम आगे जा कर के हमने अचीव किया है, वो हमने पढ़ाई की है, उसके लिए हमें उसकी अचीवमेंट लेनी ही चाहिए। तो फिर उसके आगे फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आपने कोई अचीव कर लिया, कोई अवार्ड अचीव कर लिया, लेकिन फिर आप, क्योंकि आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करते चले गए, तो ये जो है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का टेक्निक है, तो इससे अचीवमेंट्स जो है आप कर सकते हो। तो आपको मैंने दो टेक्निक्स दे दिए आज काम करने के लिए, और देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये चीज़ को डेडिकेटेडली करें। अगर हमने एक चीज़ मिस कर दी है तो हमें वो कंप्लीट करनी पड़ेगी फिर से, क्योंकि ये जब तक हर एक कार्ड के ऊपर हम काम नहीं करते हैं, तब तक हम सिंसियरली काम नहीं करते, हमारा ये जर्नी कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम कर ही रहे हैं तो सिंसियरली करना चाहिए। तो टॉलरेंस, यू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज द सेंस ऑफ लव इन एवरीवन। तो जो है आपको थोड़ा सा टॉलरेंस भी रखना है आपके ट्विन फ्लेम की तरफ, या आपके पर्सन की तरफ, जिन्होंने जो आपके हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। और अगर आप बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर चुके हो उनको, तो उनको आपको टॉलरेट करने दीजिए, राइट, क्योंकि आप इतने दिन से उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे। अब तो आपने 2 हफ्ते उनको कोई कांटेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि आप ये 44 डेज का जर्नी कर रहे हैं असेंशन का,
इस वजह से वो जो है उनको आपको अब टॉलरेट करने दीजिए, उनको लगने दीजिए कि वो कुछ कर सकते हैं। तो ये 44 डेज ये नो कांटेक्ट का एक थ्योरी है, जो 30 डेज तक किसी को भी नो कांटेक्ट में अपने पर्सन के साथ रहना चाहिए अगर उनको लगता है कि वो उनको इग्नोर या अवॉइड कर रहे हैं। हमारे 44 डेज हो रहे हैं तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं दोस्तों, अगर हमने इसको सीरियसली उनको नो कांटेक्ट करके अपने ऊपर काम किया तो। उनको हमें उनको टॉलरेट करने देना चाहिए, ठीक है। उनको जो उनके लाइफ में हो रहा है उनको जो भी बर्दाश्त करना ज़रूरी है, और हमें उन्हें के साथ भी उनको भी टॉलरेट करके चलना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा ट्यूसडे का सीरीज़ का मैसेज। कल फिर मिलेंगे वर्चू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।